नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद गाजीपुर का जमानिया इलाका, जहां पर नहरों का जाल बिछा हुआ है ताकि किसान अपने खेतों की अच्छी से सिंचाई कर धान सहित अन्य फसलों को उगा सके, वहीं दूसरी ओर आस्था का महापर्व डाला छठ, जो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस इलाके की अधिकतर महिलाएं खेती के लिए निकाले गए नहरों में छठ पूजा करती हैं, जिसमें अधिकतर नहरों में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है और जहां पहुंचा भी है वहां पर बिना नहरों की सफाई किए ही पानी छोड़ दिया गया है। इन्हीं सब को देखते हुए कल देर शाम पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह के साथ सपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जमानिया स्थित पंप कैनाल पर पहुंचा और इन लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सभी माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही, ताकि आस्था के इस महापर्व में किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। एलिस आए हैं कि एक साल का ये धार्मिक पर्व है, छठ पूजा होती है। इलाके के 80% माताएं बहनों नहर में छठ करती हैं। आस्था का पर्व है और इस परिस्थिति में कि जब एक साल का पर्व है, एक दिन आता है, उस कंडीशन में छोटे छोटे माइनरों में पानी नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचा है वहां ज़्यादा पहुंच गया है और कहीं पहुंचा ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां कम पानी है वहां पानी को पहुंचा दिया जाए, जहां पानी से नुकसान हो रहा है उधर पानी को रोक करके दूसरे ओर पानी को डाइवर्ट करके पहुंचाया जाए। और सिंचाई विभाग से मेरा यह शिकायत है, प्रशासन से शिकायत है, डीएम साहब से भी मेरी यह शिकायत है कि इस पर अमल किया जाए। अब कल छठ है और एक भी घाटों का, एक भी माइनर का, एक भी नहर की सफाई नहीं हुई, तो मैं ये इसको लेकर के कैनाल पे आया हूँ। यहाँ पे आया हूँ तो दो पंप चल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये इन लोगों से मैंने बताया है कि पंप जहाँ ज़्यादा पानी है उधर पंप को बंद किया जाए, जिधर पानी नहीं है उधर पानी को चलाया जाए, ताकि बताएं बहने कम से कम साल भर का त्यौहार है, कायदे से अपनी छठ पूजा को कर सके।